कुरान के अंदर ऐसे ऐसे शिफा के नुस्खे रखे गए हैं कि हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मसाइल का हल है। मिसाल के तौर पर आजकल हर बंदा मुआशी तौर पर परेशान है तो सूरह वाकिया सिर्फ 3 रुकुओं पर मुश्तमिल है। अगर ये मामूल ज़िंदगी बना ले तो सूरह वाकिया जहाँ होगी वहाँ नहुस्तें और बेबरकतियाँ नहीं होंगी। सूरह यासीन पढ़ोगे तो बेपनाह बरकतें इसके दामन में रखी हुई हैं। इसी तरह सूरह इख़लास सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब नसीब कर दिया जाएगा। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने हुजूर से कहा, कसीरुल अयाल हूँ, ज़राए आमदनी बहुत थोड़े हैं, तो मेरे लिए कोई दुआ कीजिए, कोई मुझे नुस्खा बताइए। तो आका करीम ने उसको जो नुस्खा बताया सुना, फरमाया जब घर जाए तो घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कह दिया करो। ये कितना सौखा नुस्खा है और कितना अच्छा वजीफा है, घर वाले भी खुश, अल्लाह रसूल भी खुश। उसके बाद एक मरतबा सूरह इख़लास पढ़ लिया करो। गुरबत तोड़ नुस्खा, जब भी घर जाओ अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद एक मरतबा सूरह इख़लास। और मेरे हुजूर ने फरमाया, कभी ऐसा हो कि तू घर जाए घर में कोई भी मौजूद ना हो तो फरमाया अमल छोड़ना नहीं, फसल्लिम अलैया, फिर मुझे सलाम कह देना। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां हम दम न हो कोई वहां सरकार होते। वो कहते हैं मैं अमल शुरू कर दिया, घर जाता अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम के बाद मैं सूरह इख़लास एक बार पढ़ देता। इस अमल की बरकत से मैंने तो अमीर होना ही होना था, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए, मेरे हमसाए भी अमीर हो गए। तो कुरान को अपनी जिंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो, दुनिया भी संवरेगी, कब्र भी संवरेगी, नज़ा का आलम भी संवरेगा, हशर में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें भी नसीब हो और रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इस किताब से जुड़ो, इसको वरक वरक पढ़ो, इसको हरफ हरफ पढ़ो, इसको रुकू रुकू पढ़ो, इसका एक एक आयत मुमकिन हो तो एक एक आयत रोज पढ़ लो, और इसको तर्जमे और तफसीर के साथ, तौज़ीह के साथ, शान नज़ूल के साथ इस किताबुल्लाह की तिलावत का मामूल बनाओ। मेरे हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता है उसके लहजे में लुकनत की वजह से या अजमी होने की वजह से वो अटकता है और उसका लहजा टूटता है, तो मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसको दोरा सवाब अता करता, एक कुरान पढ़ने का सवाब और एक उसको अटकने से जो तकलीफ होती है, तो फरमाया अल्लाह उसका भी उसको सवाब अता करता है। और फरमाया ये वो पाकीज़ा किताब है कि अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल कर बैठ जाओ। ये रब से हम कलाम होना है, ये अपने रब से गुफ्तगू करनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस किताब के साथ जुड़ जाते हैं, और वो धरती, वो मुकाम, वो जगहें फिरोजबख्त हैं कि जहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है। घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में नवाफल अदा करो और कुरान मजीद की तिलावत से अपने घरों को आबाद करो। अगर घर में रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बन जाए तो फिर कोई जिन, कोई भूत, कोई आसेब और कोई बदरू आपको तंग नहीं कर सकती। जहाँ कुरान की तिलावत तसलसल के साथ होती होगी वहाँ जिन नहीं होगा, वहाँ टूने नहीं होंगे, वहाँ जादू नहीं होगा, वहाँ साया नहीं होगा, वहाँ रहमत इलाही का साहिबान तान दिया जाएगा। जहाँ कुरान पढ़ा जाए वहाँ नुजूल बारा होता है, रहमतों की बरसात होती है। और फिर अगर ये जगह अल्लाह का घर हो, मस्जिद हो, तो फिर तो दोरी बरकत हो जाएगी ना। इस किताब से इतनी रोशनियाँ फूटती हैं कि ज़िंदगी के सारे अंधेरे ख़त्म किए जा सकते हैं। ये किताब ज़िंदगी है, किताब हयात है, इसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक अगर ज़िंदगी बसर करेंगे तो ये ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी, और इस ज़िंदगी के बाद एक और शुरू होने वाली ज़िंदगी है वो ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी। कुरान कब्र में चरागाह करेगा, कब्र में रोशनियाँ देगा, कब्र में उजाला करेगा।